हाय दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है जो एशियन गेम्स है वो तो स्टार्ट ऑलरेडी हो गया है, जो वोमेंस क्रिकेट है उन लोगों का। बट मेंस क्रिकेट जो स्टार्ट होगा वो होगा 27 सितंबर से। तो आइए जो आज की वीडियो में बात करते हैं, जो नेपाल का क्रिकेट टीम है मेंस का, उन लोगों का कौन सा ग्रुप में है, कौन सा डेट में उन लोगों का मैच है, अगर मैच जीतता है तो किसके साथ उन लोगों का मैच पार सकता है, अगर सेमीफाइनल में जाता है तो सेमीफाइनल में किसके साथ मैच हो सकता है, और जो मैच का टाइमिंग है वो कितना बजे से रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो घंटे का बटन है उसको दबाना मत भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो एशियन गेम्स है, एशियन गेम्स में टोटल 18 टीम पार्टिसिपेट करने वाले थे, बट इसमें से 4 टीम अपना टीम को उठा लिया है, तो इसलिए टोटल 14 टीम पार्टिसिपेट करेगी। इसमें से नेपाल भी एक टीम है, और इसमें टोटल 3 ग्रुप है, और 5 टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। जो 5 टीम क्वालिफाई कर चुके हैं वो है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। बट इसके बाद भी 3 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में है नेपाल, मालदीव्स और मंगोलिया। ग्रुप बी में है हांगकांग, जापान और कैम्बोडिया। ग्रुप सी में है मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। जो नेपाल का 2 मैच है, पहला मैच है 27 सितंबर को, जो खेला जाएगा मंगोलिया के बीच मॉर्निंग 7 बजे से। इसके बाद दूसरा मैच है नेपाल वर्सेस मालदीव्स, जो खेला जाएगा 1 अक्टूबर को, वो भी सुबह 7 बजे से। अगर नेपाल 2 में से 2 मैच जीत जाता है या फिर क्वालिफाई करता है, तो इसके बाद जो नेपाल का मैच होगा वो होगा बांग्लादेश के साथ, जो खेला जाएगा 4 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से। अगर बांग्लादेश के साथ भी क्वार्टर फाइनल में जीत जाता है तो इसके बाद जो मैच होगा वो होगा शायद इंडिया के साथ, क्योंकि क्वालिफायर 1 वर्सेस क्वालिफायर 4। अगर नेपाल क्वालिफायर में क्वालिफाई करता है तो बांग्लादेश के साथ 4 नंबर पे क्वालिफाई करेगा, तो अगर क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए तो इंडिया के साथ नेपाल का मैच पड़ेगा। अगर फाइनल में जाता है तो फाइनल होगा 7 अक्टूबर को। अगर नेपाल सेमीफाइनल में उठ के भी हार जाता है तो और एक मैच होगा, जो होगा विनर 3 के लिए, जो खेला जाएगा 7 अक्टूबर मॉर्निंग 7 बजे से। अगर जो नेपाल का टीम है उसे देखते हुए लग रहा है कि जो नेपाल का टीम है वो एक अच्छा टक्कर दे सकता है एशियन गेम्स में, तो आने वाले टाइम ही में ही पता चलेगा जो नेपाल का टीम है वो कैसा खेलता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो नेपाल का टीम है वो एशियन गेम्स जीत पाएगा या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। क्योंकि जो नेपाल का टीम है उसके पास बहुत सारा मैच विनर प्लेयर है, और जो नेपाल का टीम है एशिया कप में बहुत ही अच्छा खेला था, जैसे इंडिया के खिलाफ 230 रन बनाया था। बांग्लादेश के बाद नेपाली है ऐसा टीम जो 230 रन बनाया था, बट नेपाल का जो इंडिया के साथ मैच था उस टाइम पे इंडिया का जो बॉलिंग लाइन था बहुत स्ट्रांग था, बट बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया का बॉलिंग लाइन इतना स्ट्रांग नहीं था, तो इसको देखते हुए नेपाल बहुत ही अच्छा खेला है। तो चलो आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगला और एक वीडियो के साथ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटे का बटन दबाना मत भूलिए।